टीकमगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र से लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अंतर्राज्यीय वाहन चोरों का गिरोह पुलिस गिरफ्तार में आया है। पुलिस ने 21 मोटरसाइकिल जब्त की है। इनकी कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है, जिसमें अधिकांश दिंगोड़ा थाना क्षेत्र के निवासी बताए जाते हैं। आरोपियों के खिलाफ पहले से अलग अलग अपराधों में मामले दर्ज हैं। बताया गया है कि लंबे समय से मोटरसाइकिल चोरी की शिकायतें आ रही थी। इनको मद्देनजर रखते हुए टीकमगढ़ कोतवाली TI अनिल मौर्य ने एक टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की और आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? यश मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? आज आपका यहाँ पे गाड़ियाँ चोरी हैं जो पकड़ी गई हैं, इसमें क्या आपकी गाड़ी है? शाइन गाड़ी है, 14 तारीख को। कब चोरी हुई थी? 14 तारीख। कहाँ से? घर के बारे में पूरी कॉलोनी। आज गाड़ी मिली, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, प्रशासन ने ढूंढने का प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का। गरीब व्यक्ति को बहुत मेहनत का पैसा लगता है और वो जाना है यानी कि उसके साथ सब काम रुक जाना है, क्योंकि मोटरसाइकिल उसका दोपहिया वाहन रहता है उसके पास, वो कहीं पे भी जाके सामान लाना करना, अपनी नौकरी धंधे में जाना, वापस घर आना, सुविधा रहती है उसको। अगर वो उसकी जो मेहनत से खरीदी हुई, जो मेहनत के पैसे से खरीदी हुई वाहन आकर चला जाता है तो अत्यधिक दुख होता है। मेरे पास कई फरियादी लोग आते थे तो मैं समझ सकता था उनका, उनकी जो पीड़ा है क्या, आप किस पीड़ा से, वो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। TI साहब के पास भी कई लोग पहुँचते थे और SDP साहब के पास भी आते थे, तो इस चीज़ को प्राथमिकता लेते हुए और वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की गई, इसमें IG साहब और DIG साहब के द्वारा चर्चा की गई, उनके द्वारा निर्देश दिए गए कि इसमें स्पेशल टीम बनाई जाए अलग से, जो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करे कि जितने भी दोपहिया वाहन अभी चोरी हो रहे हैं इनका क्या पैटर्न है, इनके कहाँ कहाँ पे CCTV फुटेज क्या आ रहे हैं, अगर बाद में इनके CCTV फुटेज क्या क्या आ रहे हैं और पुराने ऐसे कौन कौन से अपराधी लोग थे जो मोटरसाइकिल दोपहिया वाहन चोरी में संलिप्त रहे हैं। तो इसमें टीकमगढ़ पुलिस, कोतवाली पुलिस में अच्छी सफलता हाथ लगी थी। कुछ CCTV फुटेज से हमें कुछ आरोपी चिन्हित हुए, जिसमें जो मुख्य तीन आरोपी थे, प्रतिभान सिंह, रवि यादव और घनेन सिंह, ये काइंड ऑफ तीन मुखिया बोल सकते हैं इनको, इस दोपहिया वाहन चोर गिरोह का। ये लोग सभी दिगौड़ा थाना क्षेत्र के हैं। इनके जो साथी हैं जो इनको या तो गाड़ी ला कर देते थे या फिर इनके द्वारा चुराई हुई गाड़ियों को डिस्पोज करने में मदद करते थे या फिर जो गाड़ियाँ ये ले आए हैं उनको काटने में मदद करते थे। तो हमें ऐसे करीब 8 लोग जो सभी दिगौड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और पूर्व के आपराधिक रिकॉर्डधारी हैं, ये लोग हमारी कस्टडी में आए और इनसे हमें करीब 21 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, 21 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि हमारे 7 वाहनों की तो FIR सिर्फ और सिर्फ कोतवाली थाने में रजिस्टर है, यानी कि जो कोतवाली थाने में जो आवेदक आए थे, जो फरियादीगण आए थे जिनकी मोटरसाइकिलें गुम चोरी हो गई थी, वो मोटरसाइकिलें हमें इन गिरोह से बरामद करी हैं हमारी टीम ने, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। किसी फरियादी, अभी आप मिलेंगे बाहर फरियादियों से, हमने कुछ फरियादियों को बुलाया जिनकी मोटरसाइकिल रिकवर करी टीम ने, तो उनके चेहरे पर खुशी अलग ही देखने लायक है कि पुलिस ने मेहनत करके उनकी जो गाड़ी चोरी चली गई थी जिसको वो राइट ऑफ कर चुके थे वो उन्हें वापस मिल रही है। तो ये इसमें टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस को बधाई देना चाहूँगा, कि कोतवाली अनिल मौर्य को बधाई देना चाहूँगा, इनकी टीम में भूपेश बैस और कई सारे कॉन्स्टेबल्स लगे हुए थे, ये सभी बधाई के पास रहे जिन्होंने मेहनत करके दिन रात लगे रहे, पूरी टीम को ट्रैक किया, सारे CCTV फुटेजेस देखे, इनका आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला और फिर इनसे गाड़ी रिकवर करी। तो ये उम्मीद करते हैं कि मेन गैंग खत्म होने से अभी जो आतंक फैला हुआ था दोपहिया वाहन बाइक चोरी का, ये शांत होगा टीकमगढ़ में और एक अच्छा मैसेज जाएगा। और इसी के साथ मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, जितने भी दोपहिया वाहन जो हैं जिनको ये लापरवाही पूर्वक कहीं पर भी छोड़ जाते हैं, जैसे आजकल जो मोस्ट स्पेंडर और डैजर डिलक्स शाइन, ये 3-4 गाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर प्राइम टारगेट रहते हैं, तो एक आगे व्हील लॉक आता है शायद ना, आगे लगने में थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें कि आपको उतर के बस एक व्हील लॉक लगाना है, बट उसको लगाइए वो ज़्यादा इफेक्टिव है किसी भी चोरी को रोकने के, एज कम्पेयर टू जो आपका की से लगने, वहीं जो आपके हैंडल पे लगने वाला लॉक है उससे। तो ये मेरा मैसेज रहेगा सभी दोपहिया वाहन चालकों को कि कृपया करके अपने वाहनों में व्हील लॉक लगाना शुरू करें और लावारिस हालत में अनावश्यक इधर उधर ना छोड़ें। हमेशा सचेत है, पेट्रोलिंग करते हैं हम लोग, सब कुछ करते हैं, मगर कभी कभी लापरवाही के कारण जो वाहन ओनर हैं वो इधर उधर छोड़ देते हैं अपने वाहन सुनसान जगहों पर, जहाँ से वाहन चोर जो है उसको उठा ले जाते हैं। मेरी सभी से ये आप लोगों को हिदायत रहेगी कि वाहन को लावारिस हालत में ना छोड़ें इधर उधर, और अगर आप कहीं
खड़ा भी करते हैं बैंक के बाहर या फिर किसी भी शॉप के बाहर या किसी भी कार्यालय के बाहर, तो उसमें कृपया करके ग्रीन लॉक आवश्यक रूप से लगाएं ताकि उसकी सेफ्टी बनी रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।